सुनो, इधर आओ। दीपक नेपाली भैया कैसे जानते हो तुम? नाम सुने हो, इतना नाम कमा लिया है उन्होंने, कल को लोग तुम्हारा नाम भी सुनेंगे। ये क्या वो कोई बड़े एंटरप्रेन्योर है क्या? नाम सुने हो तुम? दीपक नेपाली पे भी FIR करें इसमें, ठीक है? और उसको क्या टीम भेजे, पकड़े उसको, लगा है ना टीम? हाँ तो फिर तो हो ही जाएगा। देखो उसने तुम्हारा नाम लिया तो तुम्हारे मैं ऐसी की तैसी कर दूंगा। सच बोलोगे तो बचोगे, झूठ बोलोगे, और ये मत समझना हम लोग जाल को एक एक करके निकालते हैं, ठीक है? तुम्हारा जितना ग्रे मैटर है ना, उधर क्या देख रहे हो भाई? तुम्हारी किताबें हैं, तुमने ही दिखवाया है। इधर देखो मेरी तरफ, एक तो दीपक नेपाली हो गया, एक तुम्हारा भाई हो गया यूपी वाला मास्टरमाइंड, कौन एक रौनक हो गया, रौनक हो गया, नसीम भैया, रौनक भैया, जो भैया बोलते हैं मतलब इससे बड़ा बदमाश होगा वो, क्योंकि वो दूसरे को नाम से बोलते हैं, सीनियर होते सर बोलते हैं हम लोग, वैसे इनके यहाँ होता है जिसका सीनियर होगा उसको भैया बोलेगा, वो अपने सीनियर को भैया बोलेगा, ऐसा ही है ना? हाँ देखो, और कौन कौन भैया है तुम्हारे? हाँ एक एक करके मालूम चलेगा ना जब किताबें खुलेंगी तो। तुम यार इतने बदमाश कैसे? जन्म से ही बदमाश थे कि बाद में बने? हाँ शुरुआती ही थे ऐसे ही, पीस ही ऐसे निकले हो। भाई कम से कम सच बोलने की तो हिम्मत रखो। पहले बोले अभी डेढ़ महीने से चला रहा हूँ, एक महीने से चला रहा हूँ, फिर हुआ दो महीने से चला रहे हो, फिर हुआ एक साल से चला रहे हो, अब बोलोगे तीन साल से चला रहे थे, कल को मालूम चलेगा योजना होगी तो। तुम तो मुझे लगता है फाउंडिंग मेंबर्स हो इसके। हाँ महादेव ऐप के फाउंडिंग मेंबर्स में है, तुम्हारा भी नाम दुबई में तुम्हारा भी कुछ मूर्ति वूर्ति लगाए हैं क्या? हाँ तुम्हारे कारण जो 10 लोगों की करियर खराब हो गया तुम्हारे कारण, इनके तो अलग से कोई क्लॉज होना चाहिए कार्रवाई करने का ऐसे लोगों के ऊपर जो इतने लोगों का जिंदगी खराब किए हैं। ऐसे लोग क्या चीज, अरे सबको इसने बर्बाद किया है, ऐसे लोगों का इतने लोग बर्बाद, ये भी जेल जाएंगे 6 महीने 8 महीने 10 महीने रहेंगे सब, तुम्हारे जैसे लोगों के कारण। तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? तो तुम अंबिकापुर रह के ही काम करते थे कि वर्क फ्रॉम होम करते थे यहीं पे रह के? अंबिकापुर। तुम्हारे घर वाले पूछ पता नहीं करते थे कभी तुम्हारा? उनको क्या बताए थे? फॉरेन टूर में जा रहे हो क्या? क्या बताया उनको? जॉब कर रहा हूं। जॉब तो पूछेंगे, जॉब में तो पता करेंगे कहाँ जा रहे हैं, ऐसे थोड़ी भूल जाएंगे घर वाले। इतना 8-8 लाख गिली कमाते थे, भेजते थे तो वो भी खुश होंगे अलग। चलो पीछे हो, बदमाश टाइप के आदमी हो। सर इससे पढ़वाते हैं ना, इसका क्या मतलब बताएगा ना सर? बहुत सारा साइंटिफिक बिजनेस अरे ये सब रहने दो यार। बोनस देखो 3% बोनस देते हैं। ये देखेंगे बोनस भी मिलता है जनाब को, FD भी करवाते हैं, जैसे नहीं होता आपने होता ना कंपनी जो देती है FOP ESOP, वैसा है ये FD वो होता है इनका। अभी देखें पहली बार 10 लाख में 2.5 लाख का FD हो जाता है, 25,000 का मतलब 2,44,000। नहीं नहीं FD नहीं, FD है कि इतने साल चलाएंगे तो बाद में मिलेगा पैसा, अभी FD नहीं सीधा दे देंगे तो भाग जाएगा आदमी, तो ये FD भी कराते हैं, उसके बाद 3% बोनस देते हैं। कंपनी जैसा भी डेली 8 लाख 8 लाख का डिफरेंस आ रहा है सर। डेली 8 लाख का प्रॉफिट डेली है जनाब, डेली 8 लाख भाई, ये ऐसे ही बता रहे। देखो ना भाई सब डेली का 8 लाख, 8,50,000, 8,40,000, 8,30,000, और मुझे बता रहा है कोई पैसा पैसा के आसमान में उड़ जाता है तुम्हारा 8 लाख बचता है तो। 8,40,000, 8,39,000 अरे बता, पहले हम देखे तो 4 लाख का एंड, पिछली बार हम लोग पकड़े थे तो 4 लाख तक का डेली प्रॉफिट होता था। अब क्या ये लोग अकेले राजा हो गए, यही लोग चलाते हैं तो पूरी दुनिया इन्हीं पे खेलती है, तो 8,00,000 8,50,000 रुपए हो रहा है प्रॉफिट डेली। 10 लाख भी है, 10 लाख भी है ना एवरेज, 8 का एवरेज, कभी 10 कभी इतना कमाते हैं जनाब, और ये 10 लोगों की नौकरी, 10 लोगों की करियर खा गए अपने 10 लाख डेली कमाने के चक्कर में। अब सोचो 6 महीने से कमा रहा है डेली का 10 लाख, यदि हफ्ते में महीने 20 दिन भी चलाता होगा तो 20×8 1.5 करोड़ का फायदा है इनको मंथ, एक महीने में 6 महीने से भी चला रहा है 10 करोड़ तो ऐसे कमा लिया है इसने। ये सब देख के छोटे आदमी लगते हैं इनके कपड़ों, अरे ये तो यार जितने पुलिस वाले बैठे उनकी सैलरी इससे कम है जितना डेली कमाता है ये, ऐसा मत समझो इसको, ये तो 2-4 लोगों को नौकरी दे दे ये तो, ऐसा हाल है इसका।
छोटा सा लग रहा है, वो क्या काम कर रहा है? एक को बुलाएंगे यार, चिंता मत करो, सब चीज आ जाओ बेटा। अरे हाई फाई लग रहे हो तुम देख के तो। महादेव ही कहता महादेव। अरे दिखाओ भाई, हर हर महादेव। और समझ गया मैं, बाकी लोग तो कितना ब्रेन वॉश हुआ होगा। हाँ वो नहीं, वो नहीं, हर हर महादेव से शुरुआत ही कर दी तो क्या बोलूं भाई। हाँ पांच साल उसी टाइम पे सोचा था कि महादेव तुम ही बन। कब भर्ती हुए तुम? 15 दिन पहले गए। सब 15 दिन पहले क्यों गए? जो पकड़ाते हैं 15 दिन पहले। चुप चुप। 15 दिन पहले गए हो इतने? तुमने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा नहीं फेसबुक पे या कहीं पे? कोई डर नहीं लगा तुम्हें? ये देखो डेली का 2300 रुपए का पी जाते हैं ये लोग। देखें आप, देखो कितना पीते हैं ये लोग। देखें एक दिन में 2300 रुपए का पीते हैं। सद्दाम भैया पर्सनल। अरे भैया सद्दाम भैया पी गया 2300 का। अरे भैया जी देखें जरा, 2000 दारू प्रतिदिन। सिगरेट पी गए 640 रुपए का प्रतिदिन। प्रतिदिन बकाया रौनक 1500 रुपए। डेली रौनक कोई पैसा देते हैं ये लोग? रौनक वही भैया है ना, कोयला व्यापारी। फॉक्सी को 2000 रुपए दिया। अरे फॉक्सी कौन है ये? महिलाएं भी रखते हो आप लोग? अरे ये है क्या? अरे भाई 2000 रुपए एडवांस लिया है इसने। पांच 5600 का सिगरेट पी गए। क्या लोग पीते हो यार तुम लोग? इंडस्ट्री खुद स्मोक चैम्बर बना दिए हो क्या तुम लोग? अरे भाई तो आप आओ तो आप इसे 2300 में आप कितने का पीते थे? हाँ सब साथ में जो हुआ पी लिए भाई, गिनती थोड़ी है सब साथ में। ये तो यार पार्टी टाइप का डेली होता होगा इनका। 11 लोग साथ में बैठ के दूध पिए, साथ में बैठ के एक चीज बताओ, दारू भी है और दूध भी है, दूध कौन पीता था? आप में दूध पीने वाला कौन है? चाय पीते थे। ठीक बोल रहा है, ये चाय पीने वाला है। तुम दारू नहीं पीते क्या? पीते हो चलो। हाँ भाई तो आपको महादेव की तरफ एक तो आप टैटू ने खींचा और दूसरा महादेव तो आकर्षित कैसे हुए? भर्ती होता ना कोई कंपनी के आदमी आकर्षित होता है, महादेव की तरफ आकर्षण कैसे बढ़ा आपका? सर एक साल से खाली बैठा था। खाली बैठे थे तो आप चाकू मारना शुरू कर दोगे, बलात्कार शुरू कर दोगे, मर्डर शुरू कर ऐसा क्या भाई? खाली आदमी क्या गैर कानूनी काम शुरू कर देगा? देश में जिसको रोजगार नहीं है वो गैर कानूनी काम करेगा? जिसके पास रोजगार नहीं है गैर कानूनी काम में लग जाएगा? सबको पता है गैर कानूनी काम है, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं लगातार लोगों को। अब जेल रहोगे 6-8 महीने तब सुधरोगे, सजा भी होगी तुम लोगों को इस बार, क्योंकि आईटी एक्ट में पूरा स्टेटमेंट है, तुम लोग नब जाओगे फिर समझ में आएगा बेरोजगार। गांव में जेल में तो 2-3 साल रहोगे तो बेरोजगार ही रहोगे ना यार। जेल में ये खाना वाना फ्री मिलेगा ये सोच के जेल जा रहे हो? बिना मेहनत के खाना पीना मिलेगा? कितने पढ़े लिखे हो? 12th। पिताजी क्या करते हैं? बस ड्राइविंग ही सीख लेते हैं, ड्राइविंग ही सीख लेते हैं। लेकिन वो मेहनत का काम तो करना नहीं है जनाब को। जनाब को काम तो करना है, लैपटॉप पे बैठ के काम करना है, दारू पीना है और मस्ती करना है। एक साल पहले तक हेल्परी कंडक्टर तो वही कर लेते हैं, उससे अच्छा तुम्हें ये काम क्यों लगा? तुम भले काम ढूंढने वालों का दर्जे का काम है, समझ में आई बात? काम नहीं भी है तो पिताजी के साथ बैठते हैं तो भी काम दिला देते। इनके पिताजी से पूछना कि क्या इसको कहीं काम नहीं मिला था इसलिए इसने शुरू किया। मैं पिताजी बताए 10 काम तुम्हें? तूने बताया अपने पिताजी अभी ये चीज कि पिताजी से काम नहीं मिल रहा है, मैं जाके गैर कानूनी काम कर रहा हूँ महादेव ऐप का, मैं चला जाऊँ क्या? पूछा आपने पिताजी पे? हाँ झूठ बोलते हो ये वाला बंदा। चलो पीछे रहो सुपर ड्राई। अरे आ जाओ भाई सुपर ड्राई। एक से एक टी शर्ट खरीदते हो आप लोग, अभी वेट हो जाओगे, सुपर ड्राई हो ना? वेट, सुपर वेट। क्या नाम है जनाब आपका? फारूक। क्या फारूक बोल के रुक गया? फारूक कब से? फारूक जी कब से भर्ती हैं? सर मेरे को 1 महीना होने वाला है। हाँ डायरी में एंट्री भी है आपकी। अरे 1 महीने से काम कैसा लगा? 1 महीने का काम आपको? कहाँ के रहने वाले हो? संतरावाड़ी। पहले क्या काम करते थे? तो ई रिक्शा से अच्छा आपको ये काम लग गया क्या? हाँ तो ई रिक्शा काम क्यों छोड़ दिए?
कौन भर्ती किया आपको? भाई को मैं बुलाता। भाई कौन भाई? इधर आजा शिकागो बुल्स। शिकागो इधर आजा भाई। शिकागो रुको, आप भी रुको भाई, सुपर ड्राइव भी रुको, शिकागो बुल्स भी आ जाओ। शिकागो बुल्स ये नाम, ये बाल भी बुल की तरह ही हैं आपके, हॉर्न निकलते हैं। ये हेयर स्टाइल कहाँ से देखा आपने? ये ऑनलाइन देखा कि ऑफलाइन? ऑनलाइन। हेयर स्टाइलिंग भी ऑनलाइन, काम भी ऑनलाइन। कब से कर रहे हो ये काम? एक मिनट, आपने इनको लेके इनको बरगलाया? आपको कहाँ से जानकारी मिली? सुना था। कहाँ से सुना था? अरे यार आया तो आवाज, नाम भूल रखते हो, आवाज निकालते हो। मिमियानी पहले दिल्ली में था मैं। बोलो भाई, दिल्ली में था सर, वहाँ पर फिर नहीं किया सर, आ गया घर सर, घर का प्रॉब्लम थी करके गया सर। तो दिल्ली में क्या काम करते थे? काम इसी, काम इसी काम में थे दिल्ली से। दिल्ली रिटर्न हो आप, दिल्ली महादेव रिटर्न। दिल्ली में कहाँ चलाते थे? भैया तो चलाएंगे, मनीष भैया। कहाँ के रहने वाले मनीष भैया? अरे क्योंकि मैं एक भैया के थ्रू गया था। किस भैया के थ्रू गए थे? सोनू भैया के थ्रू। सोनू भैया कौन है? भैया तो है ही, दीदी थोड़ी होंगे यार। क्लब में मिले थे। कौन से क्लब में? मैं जहाँ काम करता था। कौन से क्लब में? कौन से रेस्टोरेंट में? जायका रेस्टोरेंट में। यहाँ पे जायका में मिले थे आपको सोनू भैया? सोनू भैया लेके गया मनीष भैया के पास। और मनीष भैया कहाँ दिल्ली में कहाँ चलाते थे? नोएडा में। कहाँ पे? नोएडा में हम लोग उत्तम नगर वेस्ट में थे। उत्तम नगर वेस्ट दिल्ली में आता है भाई, नोएडा में नहीं आता। उत्तम नगर वेस्ट पे कितने महीने चलाए थे वहाँ पे? सर वहाँ 20 दिन था। और वो चल कब फिर रहा था वहाँ? पुराने दोस्त हो गए। 20 दिन था मेरे को, भाई सोनू भैया लेके गए थे। सोनू भैया मेरे 10 दिन पहले ही गए थे वो शायद। हाँ सोनू भैया, कब की बात है ये? सर अभी अपनी दिसंबर की बात है। दिसंबर में आप दिल्ली में चलाते थे? कहाँ मतलब? सीखने गए थे। सीखने गए थे? अरे भाई गुड, अच्छा काम सीख लिए। सीख के आए तो एक्सपर्ट हो गए। तो आपने तो यहाँ पर जाना है, कैसे मालूम चला आपको? सद्दाम भैया फोन आया मेरे पास। सद्दाम भैया मेरे पास आओ, मेरा काम देखो। सद्दाम भैया को पता था कि आप दिल्ली में हो, ये काम करते हैं। इधर आओ सद्दाम भैया, इधर आ जाओ सद्दाम भैया, इधर आ जाओ। आपको पता था कि दिल्ली में ऑनलाइन में काम करता है तो बता रहा है मुझे। आपने बोला आपको पता ही नहीं था कुछ। इधर आपको कैसे मालूम चला दिल्ली में काम कर रहा है? रुको रुको, आपको कैसे मालूम चला दिल्ली में काम कर रहा है? कॉल कैसे किया? पता चला होगा ना कोई काम करता है। ये कैसे मालूम चला आपको? इसके दोस्त से। कौन से दोस्त से? राहुल करके। राहुल कहाँ रहता है? राहुल भी यही काम करता है? नहीं नहीं, तो आपको राहुल भी ये कर रहा है? डीजे बजाता है, लड़कों का बजा रहा है, डीजे बजाता है। आप तो हर फील्ड के लोगों को रखा है, कोई ई ड्राइवर से लेके कोई सब्जी का काम, कोई डीजे का काम। समाज के किसी तख्ते को छोड़ा है आप लोगों ने। तो आपने इनको क्या बोल के बुलाया? आओ काम करने। आओ काम करने, कब की बात है ये? दिसंबर की। मतलब दिसंबर से ही तो काम कर रहे हो आप? नवंबर में तो एंट्री देखा। अरे भैया नवंबर में तो देखा मैंने एंट्री। हाँ विड्रॉल ऐसे सब बता रहे, सिखा रहे थे ना ये आपको। और ये क्या बता रहे थे आपको? भैया को काम ज्यादा समझ में नहीं आता था। हाँ भैया को कोई ट्रेंड आदमी चाहिए था तो आपकी लगी, जिससे कि हम अच्छा काम शुरू करेंगे। ओहो हो, तो आप ट्रेंड व्यक्ति मिल गए। तो ट्रेंड है तो आपको एक्स्ट्रा सैलरी दे रहे थे क्या ये? शिकागो बुल्स क्या है पता है? ये शिकागो बुल्स क्या है? एफसी क्लब। सही बोल रहा है, फुटबॉल क्लब। फुटबॉल क्लब गुड। एफसी भाई हाई फाई लोग हैं ये लोग। ऑनलाइन है तो ऑनलाइन है यार। ये बाल का आपको इतना कहाँ से आया? ये बाल तो बास्केटबॉल क्लब है। बास्केटबॉल मेरा कॉन्फिडेंस दिला दिया ये। शिकागो बुल। अरे भाई बुल है ये, कहाँ डरेगा भाई। शिकागो एनबीए वाला कहाँ से खरीदे शिकागो बुल? कहाँ से खरीदे? अंबिकापुर। खेलते हैं? ठीक है, कब से जा रहे हो अंबिकापुर में आप? आप तो संस्थापक ही हो गए ना, आप ही को लिया तो ट्रेनिंग, ट्रेंड आदमी। इनके तो ट्रेंड मैन नो हाउ था नहीं, तो इन्होंने पहले जुगाड़ लगाया कहाँ से स्टार्ट किया जाए कोई ट्रेंड आदमी। तो आप थे मास्टर ट्रेनर वहाँ पे। हाँ तो मास्टर ट्रेनर हुए ना, इन्होंने बुलाया उसी चीज के लिए। भाई इन मास्टर ट्रेनर से कितने लोगों को ट्रेनिंग कराए?
ये 10 तो अभी पकड़े हैं, 11 कुछ तो आए होंगे छोड़ के वापस चले गए होंगे, ऐसे भी लोग होंगे ना। आप बताओ फिर एक महीने में कितने, मैंने इसको सिखाया बस काम बस और नहीं, आपके एक महीने में कितने लोग आए जो काम पसंद नहीं आए वापस चले गए, ऐसे कितने लोग थे? नहीं सर, जो लड़के जितने एक महीने पुराने जो आते हैं टिक के काम करते हैं आपके, हाँ बहुत वापस आए हैं। किसको बेवकूफ बना रहे हो? शिकागो बुल्स, शिकागो बकरी बना दूंगा आपको, पीछे हो। नहीं वो दोनों मास्टर माइंड है भाई, उनका भी कार्रवाई होगी ना, अभी कुछ दिन वो भी खड़े रहेंगे दोनों, रौनक नसीम और वो तीनों पे तो कार्रवाई होगी होगी। नसीम तो अंदर चला गया, निकला है नसीम, बेल हो गया क्या उसका? पिछली बार बंद किया था वो, बता बेल पे निकला होगा, निकल वही नसीम है, दूसरा नसीम है ये जो जेल गया था। राजा तुम तो महासंस्थापक हो। अरे वो मेडिकल शॉप वाला नसीम है क्या? वही है कि तुम ये कौन नसीम है? अपना भाई है। कहाँ रहता है? उसको क्यों यूज करते है तुमको? उसका पूरा एड्रेस ले देना अभी, ऑडियो नकली आदमी मिला तो तुमको। उसको पैसा क्यों देते हो? इसमें नाम क्यों है उसके? अरे मनी लॉन्ड्रिंग है ना ये भी तो यार, इधर का पैसा 8 लाख कमाता है डेली, क्या करेगा 8 लाख का? नसीम का नाम है क्यों रखा? दीपक कौन है? दीपक भैया का हर जगह दीपक तो बोल दिया, दीपक नेपाली है तो क्लियर हो गया है, तो कन्फेस कर लिया भैया। हाँ दीपक नेपाली है, समझ गया। अब बोलो ना, मैं बोल रहा हूँ क्या? तो कौन दीपक है वो? कौन दीपक है? आप ही तो मालिक हो वहाँ के, बताओ फिर कौन दीपक है ये? सर वो सैलरी रहती थी, दीपक करके लड़का था वो। नहीं यार, अरे यार तुम यार देखो, उसकी थोड़ी सेवा की आवश्यकता है तुमको, पुलिस सेवा बहुत। दीपक को रोज 25,000 रुपए की सैलरी, पीसी के बाद बताएगा यार, क्यों टेंशन ले रहे हो? डेली 25,000 रुपए दे रहे। अरे हम लोग समझ चुके हैं भाई, वो दीपक नेपाली, वो पीछे भेजो इसको, मूड खराब कर दिया मेरा, पीछे हो। ये ढीठ टाइप का आदमी है, देखो समझो, पहले से काम, ये मास्टर माइंड है, इतनी जल्दी टूटेगा नहीं, क्यों भाई? इसको मेरे प्यार की आवश्यकता है, रोज 25,000 दे रहा है। अरे यार आप देखो ना, तोते की तरह बोलेगा अभी, आप किसी में नहीं बुलवाते हैं इसको, क्योंकि ये ढीठ टाइप का है, फिर बात प्यार की वैल्यू ही नहीं समझता ये। इधर आ जाओ तुम। अरे भाई ये क्या है लिखा हुआ? सलाद? नहीं नहीं फरागो कुछ होगा यार। भाई क्या लिखा है ये भी? ये कहाँ से खरीदे? आंध्रा से। आंध्रा क्या करने गए थे तुम? उधर पहले काम करते थे पोर्ट में। पोर्ट में कि यही काम करते थे? नहीं नहीं पोर्ट में। पोर्ट में तो यार लोग पोर्ट का काम छोड़ के महादेव में आ रहे हैं, लोग ई रिक्शा छोड़ के महादेव में। महादेव में ऐसा क्या जोड़ है जो सब छोड़ के आते हैं? दोस्त फोन किया था, चले गया। कौन सा दोस्त फोन किया था? फोन, अरे इधर आ जाओ, कुछ भी डूबे इसको भी ले डूबे। ये कब फोन किया था? सतनाम भैया कौन? सद्दाम भैया। सद्दाम भैया कब बोले तुमको भर्ती होना है? तुम्हें कब फोन आया? 13 तारीख 13 फरवरी। और तुम लोग गए कब? 14। दोनों साथ में गए? नहीं नहीं पहले से थे। ये पहले से थे? एक हफ्ते से गए हैं। 15 दिन। अरे भाई तो 13 को गया तो वहाँ से 27 तारीख आज हो गई। एक दिन पहले पहुंचा। अरे भैया तो फिर बेवकूफ दुनिया में मैं ही हो गया। एक ही दिन पहले जा रहा था, साथ में चले जाते, तुम लोग बुलाए थे, इनवाइट किए थे, इनविटेशन। उसके दूसरे दिन सद्दाम ये बोले दो लड़कों को बुला ले।